हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये वाला वेकेशन का हमारा लास्ट डे है मैंगलोर में। सो लास्ट डे है तो कुछ स्पेशल करना तो बनता है। और इन मैंगलोर व्हाट मोर स्पेशल देन फिश। फिश यहाँ का इतना अच्छा मिलता है और इतने दिन से क्रेव कर रहे थे लेकिन हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि कज़न लोग ज़्यादातर इधर ही रहते हैं। सो दे डोंट क्रेव फॉर फिश। हम लोग को उधर से आते ही हम लोग को क्रेविंग्स होता है क्योंकि यहाँ का जो मसाला वसाला है ना, इट्स सो डिफरेंट एंड सो यमी। तो फाइनली आज हम लोग जाएंगे, मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ साथ में। आप लोग भी देख लीजिएगा कि क्या क्या फिश खा रही हूँ मैं। आज ऐसा है कि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मैंने और सोमने दोनों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सीधा जाके हम लोग खा रहे फिश थाली। सो इतना बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। अरे लास्ट व्लॉग में जहाँ पे जब मैं मैंगलोर आई थी तभी दिखाया था मैंने, बट आई डोंट नो, बहुत बार ऐसा मिस हो जाता है क्योंकि हम लोग कजन्स के साथ रहते हैं, कजन्स के साथ ही जाते हैं ना, तो कभी कभी मिस हो जाता है। बट दिस टाइम वी वोंट मिस इट। हम लोग फटाफट जाते हैं, लंच करते हैं, फिर वापस आके लीविंग बैक टू द एयरपोर्ट। तो चलो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। बहुत आवाज़ आ रहा होगा गाड़ियों का बिकॉज हाउस इज़ वेरी क्लोज बाई टू द मेन रोड। सो ये बैंगलोर हाईवे का मेन रोड है। चलो अभी फटाफट तैयार हो जाते हैं, ऑलमोस्ट डन, लेट्स गो। ठीक है यार, हाय कौशिक, व्हाई यू स्टारिंग लाइक दैट, से हाय टू माय पीपल, प्लीज सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन। पहुंच गए हम लोग गिरी मंजाज और यहाँ पे हमारा नहीं, सोनू का एक फ्रेंड भी हम लोग के साथ आया गिरी मंजाज। और पहुंचते हम लोग को मिला ये वाला खट्टा वाला ड्रिंक विच इज एब्सोल्युटली टेस्टी, खट्टा एंड वेरी टेस्टी। एंड ये आ गया हमारा फिश दैट वी हैड ऑर्डर्ड, ये है बूताई, आई डोंट नो व्हाट टू से दिस इन इंग्लिश। एंड हमारा आ गया प्रॉन्स एंड ये रहा वो थाली जो वो लोग सर्व कर रहे थे। वी कैन ईट इट विद फिश करी और वी कैन हैव इट विद सांबार या रसम काइंड ऑफ सार दैट वी गेट। Sets.
वेरी ब्यूटीफुल. Home sweet home. और फाइनली वो वक्त आ गया कि हम लोग वापस मुंबई जाए. सो वी आर ऑन आवर वे बैक टू द एयरपोर्ट. पर जाते टाइम बहुत ही बुरा लगता है. एक तो मम्मी डैडी को छोड़ के जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, उसके ऊपर से यहाँ पे कुछ काम नहीं कुछ नहीं, मस्त खाओ पियो और एंजॉय करो मम्मी के घर पे. एंड एक तो प्रायशु का देखभाल करने के लिए भी हमारे पास बहुत लोग हैं. प्रायशु भी एंजॉय करती है, गुल मिल जाती है, एंड शी ओपन्स अप अ लॉट इन मैंगलोर. तो मजा आता है. और ये रहे दोनों नानी से बहुत बहुत प्यार लेते हुए. एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, यू नो, सेइंग बाय टू मम्मी एंड डैडी. इट फील्स रियली बैड. उनका भी फेस देखो कितना छोटा हो गया था. और यहाँ पे चेक इन वेक इन करके हम लोग को पता चला कि फ्लाइट डिले है. बहुत जल्दी आए हैं हम, तो हम लोगों ने थोड़ा खाना वाना खाया, थोड़ा कॉफी पिया. सोच रहे थे मन में कि जल्दी बोल देते तो थोड़ा हम लोग घर पे अपनों के साथ टाइम तो स्पेंड कर लेते. देखो सब लोग वेट कर रहे थे क्योंकि बहुत डिले हो गया था फ्लाइट. एंड ये रही प्रायशु अपनी मस्ती में, बहुत मस्ती कर रही थी प्रायशु, ये देखो. Finally we are boarding at around जब मेरी सिस्टर को भी बाय बोलना पड़ रहा है क्योंकि इतने दिन हम लोग साथ में थे और बहुत मजा आया, लेकिन अभी बाय बोलना पड़ा. लेकिन बेस्ट पार्ट इज वो बहुत पास में रहते हैं, जब भी हम लोग चाहते हैं तभी हम लोग मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइस. बस इतने ये व्लॉग के लिए. अगर आप लोग को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो आप लोग को पता है क्या करना है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जितने लोगों के साथ हो सकता है उतना शेयर कीजिए. और ये आ गए हम लोग अपने घर पे. So that's it for today's vlog, guys. Hope to see you all in the next vlog. Till then, toodles, show some love.